हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड का, कैसे यूज करके अपन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को मैंने दो मेथड वहां पे मैंने बताए थे। एक मैंने बताया था पार्ट ऑफ सीएफ, अगर आपको पता हो तो कैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अगर आप इक्वेशन को अगर नॉर्मल फॉर्म में अगर रिड्यूस कर देते हैं, या फिर चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की उसको कहा जाता है, रिड्यूसेबल टू नॉर्मल फॉर्म में अगर आ जाता तो कैसे उस मेथड को यूज करेंगे। तो दोस्तों, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं नए मेथड की, बात कर रहे हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पे मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसको नॉर्मल फॉर्म मेथड भी कहा जाता है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे पहले मैं दोस्तों होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी वीडियो है। और इसके अलावा दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो सारे वीडियोस दोस्तों आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं कि अगर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड होता क्या है, इसके वर्किंग रूल क्या है, इसका बेसिक क्या है, और इसके ऊपर दोस्तों मैं एक प्रॉब्लम भी लूंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट की जनरल फॉर्म क्या होती है, d2y upon dx square plus p dy by dx plus qy equal to capital R। अब अपना यहाँ पर टारगेट है कि अपन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है। y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो दोस्तों, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि अपन x को z में चेंज कर लेते हैं, एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन इंट्रोड्यूस कराता है, एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन इंट्रोड्यूस करा जिसको z बोलते हैं। तो वी विल चेंज x टू z, या फिर अपन बोल सकते हैं z इक्वल टू fx कह सकते हैं अपन। तो जैसे अपन x से z में चेंज करेंगे, तो ये जो p q और r जो है, ये जो वेरिएबल कोएफिशिएंट जो इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बनेगी, x की जगह z आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल यहां पे चेंज हो गया है। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, d2y upon dz square plus p1 dy by dz plus q1y equal to capital R1। तो इसके अंदर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं x से z, तो इक्वेशन में x की जगह z आ जाएगा और एक pq r भी अपने चेंज हो जाएंगे, p1 q1 और r1। अब दोस्तों, ऐसा क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि why you are changing the independent variable। तो इसका दोस्तों उत्तर ये है कि अपन इसलिए करते हैं कि जैसे ही अपन इस independent variable को change करते हैं और नए p1, q1 और r1 निकालते हैं, तो फिर ये second order differential equation बन जाती है, linear differential equation of constant coefficient बन जाती है। और जैसे ही दोस्तों linear differential equation constant coefficient की बन जाएगी, तो कितना आसान है उसको सॉल्व करना, आपको पता है वहां पे सिर्फ cf और pi निकालना है। और CF और PI कैसे निकालते हैं, उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो अपन क्यों करते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज, यानी अपन x से z में क्यों जाते हैं, क्योंकि x से z में जाने के बाद जैसे अपन P1, Q1 और नए मॉडिफाइड P1, Q1 और R1 जब निकालते हैं, तो नई जो इक्वेशन बनती है वो दोस्तों चेंज हो जाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में 2 डिग्री की बन जाती है, सेकेंड ऑर्डर की बन जाती है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में बन जाती है, वेरिएबल कोएफिशिएंट हट जाता है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ जाता है। और जैसे दोस्तों कांस्टेंट कोएफिशिएंट आएंगे, तो उसको फटाफट सॉल्व किया जा सकता है, मतलब ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इसका दोस्तों एक बेसिक है कि चेंज क्यों किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके P1, Q1 और R1 अपन को दोस्तों निकालने पड़ेंगे। तो मैं पहले आपको इनके फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। P1 का फॉर्मूला है d2z upon dx square plus p dz by dx divided by dz upon dx का whole square, ये P1 है। Q1 है q upon dz upon dx का square, और R1 है r upon dz upon dx का whole square। इनको याद करना भी बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे देखो कैसे याद किया जा सकता है। P1, Q1 और R1 इन तीनों के जो डिनोमिनेटर में है, सबके देखो dz by dx का square आ रहा है। देखो Q1 और R1 को तो याद रखना बहुत आसान है, Q1 is equal to capital Q है, ठीक है, और R1 is equal to capital, मतलब Q1 और R1 में जो पहले वाले Q और R है वो तो आएंगे, ये नीचे है, dz by dx square है, फिक्स है। तो कुल मिलाकर इस P1 को याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, Q1 R1 को तो आराम से याद कर सकते हो, P1 में भी ऐसे याद रखा जा सकता है,
कि पहले आएगा डबल डेरिवेटिव जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डी जेड बाई डी एक्स डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा सिंगल डेरिवेटिव, यानी पहले आएगा दो ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर एक ऑर्डर का आएगा, और जो एक ऑर्डर का आएगा वो पी से मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और बाकी पी वन क्यू वन आर वन तीनों में ही डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डिवाइड किया हुआ है, और क्यू वन और आर वन को याद रखना बहुत आसान है। ये रेशियो किसका है, पहले वाले प्रीवियस क्यू का डिवाइडेड बाय डीजेड बाय डीएक्स स्क्वायर और प्रीवियस आर का डिवाइडेड बाय डीजेड बाय डीएक्स का स्क्वायर का। अब इसके अंदर दोस्तों एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, क्या शॉर्ट ट्रिक है, अपन को दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले अपन को इसको टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, अपन को टारगेट करना है क्यू वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन डीजेड बाय डीएक्स का होल स्क्वायर, इसको दोस्तों टारगेट करना है। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी इसकी हेल्प से ही अपन सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अपन क्या करेंगे, जो Q1 है इसको अपन लेग करेंगे, इसको क्या है सपोज करेंगे, और ये Q1 पता कैसे चलेगा, ये Q1 हमेशा होगा एक कांस्टेंट होगा, क्या होगा एक कांस्टेंट होगा, यानी कोई नंबर होगा कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन में जो अपने पास क्वेश्चन देंगे और जहां पे ये जो क्यू होगा ना, ये क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू का जो कॉन्स्टेंट कॉफिशेंट है नंबर रियल नंबर, वो ही क्यू वन होगा, वो ही Q1 होगा। तो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आप लगाइए, 100% क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। हमेशा ध्यान रखिए क्या क्या करना आपको, ये Q1 क्या होगा, ये Q1 इस Q का जो रियल नंबर है, इस Q का जो रियल नंबर है यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वो ही क्या होगा, क्योंकि ये Q तो वैसे देखा जाए तो पूरा तो एक क्या है वेरिएबल फंक्शन है, देखा जाए तो ये पूरा तो है वेरिएबल फंक्शन, लेकिन इस वेरिएबल फंक्शन के साथ कुछ कांस्टेंट भी तो आएगा जैसे 1, 2, 3, 4, तो वही अपन क्या मानेंगे Q1 मानेंगे। अगर कुछ नहीं आता कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट तो अपन क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, यूनिटी मान लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी क्वेश्चन लूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे सारी कहानी होगी, कैसे अपन सॉल्व करेंगे। और ये जो P1 है 90% केसेस के अंदर दोस्तों इसकी वैल्यू जीरो आएगी, 90-95% के अंदर P1 की वैल्यू जीरो आएगी, तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, P1 की वैल्यू 90% केसेस के अंदर जीरो आती है। और कुछ एक प्रॉब्लम्स है जहां पे P1 की वैल्यू कुछ आती है, वो प्रॉब्लम भी मैं करूंगा। तो दोस्तों मैं इसका वापस आपको बता देता हूं, मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट को सॉल्व करेंगे एक्स टू जेड वेरिएबल में चेंज करके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स उसको जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो जैसे ही चेंज करेंगे तो नए पी वन क्यू वन आर वन आपको निकालना पड़ेंगे, उसके ये फॉर्मूलेज है, याद कैसे करना मैंने आपको बता दिया है। और शॉर्ट ट्रिक मैंने ये बताया कि जो क्यू वन है वो क्या होगा, वो ये जो कैपिटल क्यू है उसी का क्या है कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट ही, यानी नंबर ही क्या कहलाएगा, जो फंक्शन के साथ अटैच होगा वो ही क्या कहलाएगा क्यू वन कहलाएगा, उसी का यूज करते हुए अपन क्या फाइंड करेंगे जेड फाइंड करेंगे, और सारी वैल्यूज जब यहां पुट करेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगी, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं फटाफट एक क्वेश्चन लेता हूं और अपन देखते हैं कि अपन ये कैसे काम करेंगे। यहां पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब वाई इक्वल टू फोर एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस पर अपन अपनी सॉफ्टवेयर भी लगा के देखेंगे कि कैसे अपन को जो कैपिटल क्यू का जो कांस्टेंट नंबर है उसको कैसे अज्यूम करना है, कैसे जेड निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे अगर इस इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो अपन को ये पता होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो है इसका जो सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है इसका जो कोएफिशिएंट है 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। पूरी इक्वेशन को सबसे पहले डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करूंगा इक्वेशन क्या हो जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब इससे इसका कंपेयर कर दो, पी की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है 4 एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताई, मैंने ट्रिक ये बताई थी कि जो ये जो कैपिटल क्यू होता है इसके साथ जो कांस्टेंट होगा, मतलब इस वेरिएबल फंक्शन के साथ, देखिए इस कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, ये वेरिएबल फंक्शन है नहीं है,
एलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन इसके साथ देखिए माइनस फोर को देखिए, ये जो माइनस फोर है ना, इसी को अपन को क्या मानना है, क्यू वन मानना है। हमेशा ये आप ध्यान रखिए, जो भी अपना ये क्यू होगा उसके साथ जो ये नंबर होगा, यानी जो रियल नंबर होगा, जो कॉन्स्टेंट होगा, उसी को अपन क्या मानेंगे, क्यू वन मानेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को जब जरा ध्यान से देखिए, तो क्यू वन मेरा क्या हो गया, ये तो मैं लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, देखिए जरा ध्यान से, मैं जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है क्यू अपॉन डीजेड बाई टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू वन, और वो मैंने क्या माना है माइनस फोर, और क्यू की वैल्यू क्या माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर डीजेड बाई टी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस फोर से माइनस फोर कैंसिल हो गया, तो डीजेड बाई टी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स आ गई। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगी। तो दोस्तों ये मेरे को पता चल गया कि मेरे को जेड क्या लेना है। हमेशा आपको दोस्तों ऐसे ही प्रोसीड करना है, हमेशा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्यू वन होगा वो आप कैसे चूज करेंगे। तो क्यू वन को दोस्तों चूज करने के लिए आपको जो क्यू का जो कोफिशिएंट है, नंबर जो होगा, जैसे देखिए आप क्या है, Q क्या है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, क्यू देखिए माइनस फोर एक्स स्क्वायर है। तो देखो इस वेरिएबल फंक्शन का जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है, रियल नंबर है माइनस फोर, उसी को मैंने क्या माना, क्यू वन माना। और हमेशा आपको ऐसे ही मान के दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ा फटाफट सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्यू वन की वैल्यू मैंने माइनस फोर रख दी और क्यू की वैल्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, माइनस फोर से माइनस फोर कैंसिल हो गया, dz by dx की वैल्यू x आ गई, इंटीग्रेट किया तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x square by 2 आ गई। तो दोस्तों ये z की वैल्यू आ गई है, फटाफट दोस्तों अपन p1 निकालेंगे, और p1 दोस्तों 0 आएगा इसके अंदर, तो अपन p1 निकालेंगे फटाफट। तो देखते हैं p1 क्या निकलता है, तो ये मैं मिटा देता हूं, p1 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए p1 क्या निकलेगा। p1 का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, d2z / dx square, P1 का फॉर्मूला क्या है, d2z / dx square। तो देखो dz by dx की वैल्यू अपने पास क्या है, x है, तो इसका एक और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस p की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स, तो माइनस वन अपॉन एक्स इंटू dz by dx, इंटू dz by dx, dz by dx क्या है, x है, x है, अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो दोस्तों जीरो हो गया, देखो वन माइनस वन यानी पी वन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो 90-95% केसेस के अंदर पी वन की वैल्यू दोस्तों जीरो आएगी, ठीक है। क्यू वन अपना ऑलरेडी निकल चुका है, क्यू वन अपना माइनस निकल किया चुका है, क्यू वन तो अपन ने सपोज ही किया है, क्यू वन और हमेशा आपको सपोज करना है, क्या सपोज करना है, जो क्यू के साथ जो कॉन्स्टेंट होगा, जो नंबर होगा, वो ही अपना क्यू वन होगा। आर वन निकाल लीजिए, आर वन क्या होगा, आर आर क्या है, फोर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर, तो dz by dx x स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कैंसिल क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 4 साइन x स्क्वायर आ गया, ठीक है। z इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 है, तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2z आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 4 साइन 2z बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए अपन ने p1 q1 और r1 तीनों अपन ने दोस्तों निकाल लिए हैं। अभी दोस्तों तीनों जो चीजें हैं, जो नई इक्वेशन जो अपनी है, उसके अंदर अपन पुट करेंगे और फटाफट दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अपनी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन है d2y upon dz square plus p1 dy by dz plus q1 y equal to r1। तो इसके अंदर देखो p1 तो जीरो है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा d2y upon dz square plus q1 कितना है, माइनस फोर y equal to r1 है, 4 sin 2z। ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गई है, तो ये हो जाएगा कैपिटल d square minus 4 into y equal to 4 sin 2z। अब दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप दोस्तों मेरे वीडियो सारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, वो सारे मैंने बनाए हुए हैं, एक एक स्टेप मैंने बताया हुआ है, सी एफ क्या होता है, पी आई क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे टाइम अपना, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, तो फटाफट मैं यहाँ से सी एफ दोस्तों निकाल लेता हूँ। सी एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ती है, बी की जगह एम रखिए, एम स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू प्लस टू और माइनस टू आ गई, ठीक है। तो दोस्तों इसका सी एफ क्या निकल जाएगा, सी वन ई रेस टू
2z प्लस सी टू ई रेस टू माइनस का 2z हो जाएगा। अब दोस्तों इसका अपन को निकालना क्या है, पीआई निकालना। पीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा तो पीआई निकालने के लिए क्या होता है, पीआई निकालने के लिए पीआई होगा क्यू अपॉन एफडी होता है, तो 4 साइन 2z अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने पर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया जाता है, वो वीडियोज आप जरूर देखे दोस्तों। तो डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस फोर 4 साइन 2z, तो माइनस फोर कितना हो जाएगा, माइनस का 8, तो पी आई मिल जाएगा माइनस का साइन 2z अपॉन माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 और 4 है तो 4 2 जा 8, तो माइनस का साइन 2z अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन दोस्तों अपन को क्या मिल जाएगा, सी एफ प्लस पी आई दोनों को ऐड कर लेंगे, तो सी वन ई रेस टू 2z प्लस सी टू ई रेस टू माइनस का 2z माइनस का साइन 2z अपॉन 2, ये सी एफ हो गया और ये अपना क्या हो गया, पी आई हो गया। लेकिन ये आंसर अपना जेड में मिला है और जेड अपना वेरिएबल नहीं है, ओरिजिनल वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो वैल्यू अपन चेंज कर देंगे, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे कितना हो जाएगा, सी वन एक्स स्क्वायर बाई 2 डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सी वन ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी टू ई रेस टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का साइन 2z, और जेड की वैल्यू यहाँ पे भी डालेंगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो दोस्तों ये जो है फाइनल आंसर अपना, ओरिजिनल जो इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उसका आंसर है। लास्ट में अपन आंसर जेड में मिला था उसको वापस एक्स में चेंज करने के लिए जेड की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, जब q1 = -4 अपन ने अज्यूम किया था, जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा या माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर रखने पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, कंप्लीट सॉल्यूशन जो क्वेश्चन था उसका, सी वन ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन है। दोस्तों ऐसे अपन को चलना है हमेशा, अपन को क्या करना है, जो q1 है वो कैपिटल q जो क्वेश्चन का होगा ओरिजिनल q, उसका जो कॉन्स्टेंट होगा उसके साथ जो अटैच एक नंबर होगा उसको क्या मानना, क्यूमन मानना, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, अपना जो P1 है 90% केसेस के अंदर 0 आएगा, अभी मैं आगे और प्रॉब्लम लूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जाकर मैं बताऊंगा P1 0 नहीं आता, तो ऐसी प्रॉब्लम भी मैं करूंगा। और एक बार जैसे अपना dz / dx और z निकल जाता है तो उसके बाद फटाफट P1 Q1 और R1 अपना निकल जाता है, उसके बाद सारे जो है इस क्वेश्चन के अंदर और सॉरी अपनी जो मॉडिफाइड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो z वेरिएबल के लिए होती है उसमें सारे नए जो मॉडिफाइड P1 Q1 R1 है वो सारी वैल्यूज अपन यहाँ पर रख देते हैं, वो जैसे ही रखेंगे तो 100% लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट बनेगी, या फिर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन सकती है, दोनों ही बहुत आसान है सॉल्व करना, फटाफट सी एफ और पी आई निकालिए और उसके बाद जेड में आपको आंसर मिलेगा, उसको एक्स में वापस चेंज कर दीजिए बैक सब्स्टिट्यूशन करके, तो आपको फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मेथड है सॉल्व करने का, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और 90% प्रॉब्लम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, भले वो पार्ट ऑफ सीएफ वाला मेथड हो, भले रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म मेथड हो, वो इस वाले मेथड से सॉल्व हो जाती है 90-95% प्रॉब्लम। और ये मेथड दोस्तों ईजी पड़ता है, मैं आपको बता दूं नॉर्मल फॉर्म और पार्ट ऑफ सीएफ से मैं इस मेथड को रिकमेंड करूंगा, ये मेथड इजी पड़ता है, तो आप दूसरी प्रॉब्लम्स के अंदर भी ये मेथड आप लगा के देखें, आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए दोस्तों, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूले दोस्तों, आपके कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है, वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायरेशन मिलता है नए वीडियो बनाने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू।